और अब तक वो सिलसिला जारी है। उसमें नजरिया पाकिस्तान के हवाले से, इस्लामियात के, और इस हद तक मैं आपको एक सैंपल के तौर पे एक दो किताबों का जायजा आपको आपके सामने पेश करना चाहता हूं। ये पुरानी किताब है, 6-7 साल पुरानी किताब है, क्लास फर्स्ट की उर्दू की पहली किताब। ये पिछले दौर में एएनपी दौर की ये किताब है, और इसमें अगर आप ये हमारे बच्चों को उनकी ब्रेन वॉशिंग किस तरह कर रही है इसकी एक झलक देखें। ये हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सबक है। इसमें आप देखें कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। दूसरा जुमला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये पुरानी किताब और इसी क्लास की अब ये नई किताब है, क्लास फर्स्ट की ये नई किताब। इसमें यही सबक मौजूद है, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब खत्मे नबूवत के हवाले से यहां पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। किसी जगह से भी पूरे सूबे में ये किताब मौजूद है, हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के हाथ में, आप उसको जायजा ले सकते हैं। इसमें बहुत वाज़ेह हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इसके बाद जो जुमला पुरानी किताब में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, निकाल दिया गया है। अब इसके हवाले से ये किन लोगों ने किया, क्या कोई मुसलमान ये जुमला निकाल सकता है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है।